वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास थर्ड की मैरीगोल्ड यूनिट 9 लेसन से, जिसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब एक समय की बात है, या फिर एट सम टाइम इन द पास्ट, एक समय की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक छोटी पहाड़ी थी। स्मॉल मीन्स लिटिल। अ पाथ वेंट अप द हिल, एक रास्ता उस पहाड़ी को जाता था। पाथ मीन्स वे, वे मतलब रास्ता, हिल का मतलब पहाड़ी। स्मॉल माउंटेन। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फी ट्रीज, ये रास्ता चीड़ और देवदार के बहुत सुंदर और घने जंगल से होकर जाता था। थिक मीन्स डेंस, लवली मीन्स वेरी ब्यूटिफुल, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, और पाइन मीन्स चीड़, फिर मीन्स देवदार, जिसको हिंदी में पाइन को चीड़ एक तरह का पेड़ होता है और देवदार भी एक तरह का पेड़ होता है। वो जो रास्ता था वो देवदार और चीड़ के घने और बहुत सुंदर जंगल से होकर जाता था। पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू ए होली प्लेस, लोग ऑफन मीन्स अक्सर, वर्कड ऑन इट इस पर चलते थे, फॉर टू अ होली प्लेस, एक पवित्र स्थान पर जाने के लिए। मतलब इसका यह है कि लोग इस पर एक पवित्र स्थान के लिए जाते थे, इस रास्ते से एक पवित्र स्थान को जाते। होली मीन्स सैक्रेड, प्लेस मीन्स स्थान जगह। वन डे, एक दिन, व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, एक दिन जब सूरज आसमान में तेज प्रकाश के साथ चमका, मीन्स हाई, यहाँ पर शोन हाई का मतलब शोन ब्राइटली, ब्राइटली तेज प्रकाश के साथ चमक। मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, बहुत से लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दी। क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ते हुए, मैनी का मतलब ज़्यादा, सेवरल, अ लॉट ऑफ। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वो लोग धीरे धीरे और बहुत संभलकर चढ़ रहे थे। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक या बहुत संभलकर। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम द हिल विथ देम, एक लड़की भी पहाड़ी पर उनके साथ चढ़ी। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम मीना था। मीना वॉज 12 years old, मीना 10-12 वर्ष की थी। मीना वॉज 12 years old, मीना 12 वर्ष की थी। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, उसने अपनी पीठ पर एक लड़के को लिए हुए थी। कैरीड, कैरीड का मतलब हम कह सकते हैं करवे, या फिर यहाँ पर होगा ढोना, या फिर उसे एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, वो अपनी पीठ पर एक छोटे लड़के को लिए हुए थी। बैक का मतलब यहाँ पर क्या है, पीठ। He was 4 years old, वो जो लड़का था वो 4 वर्ष का था। His hair was curly, उसके बाल घुंघराले थे। curly means घुंघराले, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह के, जो इसको curly कहते हैं, ये जो curly कहते हैं, wavy हम इसे कह सकते हैं, curvy कहते हैं। His eyes were black, उसकी आँखें काली थी। And और his face was as fresh as the morning dew, और उसका चेहरा इतना ताज़ा था जैसे कि सुबह की ओस। ड्यू का मतलब ओस, जैसे हम जानते हैं कि टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब विंटर का सीज़न होता है, जैसे अभी का सीज़न चल रहा है, तो हम सुबह देखते हैं घासों पर या फिर पेड़ की पत्तियों पर, फूलों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें, उसे ही हम ओस कहते हैं। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, और जैसे सूरज की रोशनी नाचते हुए, डांस करते हुए पेड़ों से नीचे आती थी, यानी पेड़ों की पत्तियों को चीरती हुई नीचे आती थी। यहाँ पर डांस को हम कह सकते हैं शोन, जो सूरज की रोशनी चमकती हुई पेड़ों की पत्तियों को पार करती हुई धरती पर दिखाई थी। या मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टीडली, और मीना पहाड़ी पर बहुत संभल कर और धीरे धीरे चढ़ी। स्टीडली मीन्स
in a controlled manner. He was happy. वह खुश थी. The boy was also happy. लड़का भी खुश था. A man in the group looked at Meena. समूह में एक आदमी ने मीना को देखा. Looked का मतलब देखा. He felt sorry for her. उसने मीना के लिए, उसके लिए दया महसूस की, उसके लिए दुख महसूस किया. Sorry का मतलब feel sad. उसने उसके लिए दया महसूस. He asked her, उसने उससे पूछा. Asked का मतलब पूछा. My child, मेरे बच्चे, why are you carrying a boy on your back? तुम अपनी पीठ पर इस लड़के को क्यों ढो रही हो? Carrying का मतलब जैसा मैंने पहले बताया ढोना. Back का मतलब पीठ. तुम इस लड़के को अपनी पीठ पर क्यों ढो रही हो? Don't you feel his load? क्या तुम्हें उसका भार नहीं महसूस होता है? Load का मतलब weight, भार, जिसे हम कहते हैं. Feel का मतलब महसूस करना या एहसास होना, realize. Meena looked at him in wonder. मीना ने आश्चर्य से उसे देखा. उस आदमी को मीना ने आश्चर्य से देखा. In wonder का मतलब आश्चर्य. She could not understand him. वह उन्हें समझ नहीं सकी. वह उनकी बात को समझ नहीं सकी. Understand का मतलब समझना. Her brother was unable to walk. उसका भाई चलने में असमर्थ था. उसका भाई 4 वर्ष का था और पहाड़ी पर नहीं चल सकता था. Meena's asked. मीना ने पूछा. Load? Of course not. भार? बिल्कुल भी नहीं. He is my brother. वह मेरा भाई है. धन्यवाद.